Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Today we will read lesson 10 from EVS. Lesson ka name hai People and Their Occupations. People yani log and their occupations aur unka vyavsay. Now we read the first line. You are a student. Aap ek vidyarthi hain. You study in school. आप स्कूल में पढ़ते हैं. Similarly, इसी तरह there are other people in our neighborhood who do different kinds of jobs. इसी तरह हमारे पड़ोस में और भी लोग हैं जो अलग अलग तरह की जॉब करते हैं. A job done by a person to earn a living is called his or her occupation. किसी व्यक्ति द्वारा जीविकोपार्जन के लिए या अपनी जीविका कमाने के लिए की गई नौकरी को उसका व्यवसाय कहा जाता है. पीपल विद डिफरेंट जॉब्स हेल्प अस इन मैनी वेज. विभिन्न नौकरियों के साथ लोग हमें कई तरह से मदद करते हैं. लेट्स सी हाउ. आओ देखें कैसे. नंबर फर्स्ट है फार्मर. अ फार्मर ग्रोज फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस. एक फार्मर ग्रोज उगाता है. फार्मर किसान ग्रोज उगाता है फूड ग्रेन्स अनाज फ्रूट्स फल एंड वेजिटेबल्स सब्जियां. एक फार्मर हमारे लिए अनाज फल व सब्जियां उगाता है. नंबर सेकंड है टीचर. टीचर यानी अध्यापक. अ टीचर टीचेज अस हाउ टू रीड एंड राइट. एक टीचर टीचेज अस हमें सिखाता है हाउ टू रीड एंड राइट कि हमें कैसे लिखना व पढ़ना है. ही टीचेज अस गुड मैनर्स. वह हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं या अच्छे शिष्टाचार की बातें सिखाते हैं. नंबर थर्ड स्टूडेंट डॉक्टर. अ डॉक्टर ट्रीट्स अस. अ डॉक्टर ट्रीट्स अस. एक डॉक्टर इलाज करता है व्हेन वी फॉल इल. जब हम बीमार हो जाते हैं. स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी. अ स्वीपर हेल्प अस टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन. एक कीपर सफाई कर्मचारी हमारी गलियों को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करता है. आगे स्टूडेंट्स पोस्टमैन. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स. एक पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लाता है यानी पत्र लाता है पार्सल्स लाता है और मनी ऑर्डर्स लाता है. आगे स्टूडेंट्स कोबलर. अ कोबलर मेंड्स आवर शूज एंड स्लीपर्स. एक कोबलर हमारे लिए शूज और स्लीपर्स बनाता है. बार्बर. बार्बर होता है नाई. अ बार्बर कट्स आवर हेयर्स. बार्बर हेयर को कट करता है या बालों को कट करता है. मैशन मिस्त्री. अ मैशन बिल्ड्स आवर हाउसेस. एक मिस्त्री हमारे घर को बनाता है. पुलिसमैन. अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स. पुलिसमैन चोरों से हमारी रक्षा करते हैं. ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. वह लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन होते हैं स्टूडेंट्स बिजली मिस्त्री. एन इलेक्ट्रीशियन लेज इलेक्ट्रिक वायर्स एंड रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं स्टूडेंट्स बिजली उपकरण. एन इलेक्ट्रीशियन लेज इलेक्ट्रिक वायर्स एंड रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. एक बिजली मिस्त्री हमारी बिजली को ठीक करने में रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं. लॉयर वकील. अ लॉयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द लॉ. एक लॉयर एक वकील हमारी हेल्प करता है कानून को समझने में और उसको फॉलो करने में. सोल्जर. अ सोल्जर डिफेंड्स आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज. एक सैनिक सोल्जर सैनिक
डिफेंड्स आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज, शत्रुओं से हमारे देश को बचाता है, एक सैनिक हमारे देश को शत्रुओं से बचाता है। द पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो पीपल जो लोग हैं अलग अलग ऑक्यूपेशन व्यवसाय में काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन, यानी लोग और हमारे आसपास जितने लोग हैं और उनके क्या क्या व्यवसाय हैं इसके बारे में था। यानी लोग हमारे आसपास क्या क्या जॉब करते हैं, वो हमारी इस चीज में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के लोग थे, फार्मर है, फार्मर क्या क्या करता है हमारे लिए, फूड ग्रेन्स अनाज उगाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाता है। टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें वो अच्छे मैनर्स गुड मैनर्स सिखाते हैं। डॉक्टर, एक डॉक्टर हमारी जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा इलाज करते हैं। स्वीपर, स्वीपर सफाई कर्मचारी हमारी गलियों को साफ रखते हैं। पोस्टमैन, एक पोस्टमैन हमारे लिए लेटर लाता है, पार्सल लाता है, मनी ऑर्डर लाता है। कोबलर जो हमारे शूज बनाता है। बार्बर जो हमारे हेयर को कट करता है। मैशन जो हमारे घरों को बनाता है, मिस्त्री होता है। पुलिसमैन चोरों से हमारी रक्षा करते हैं और लॉ यानी कानून को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली ठीक करते हैं। लॉयर अंडरस्टैंड द फॉलो द लॉ, यानी जो कानून को फॉलो करवाते हैं और उसको समझाते हैं। सोल्जर जो शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए और हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये लेसन 10 रीड किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ये घर पर अच्छे से रीड करना है व इसको समझना है। आपको स्कूल से जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको साफ व सुथरे ढंग से अच्छे से समझें उसको। अगर समझ ना आए तो क्वेश्चन पुट करें आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।